अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हुआ मेनका जी? पता नहीं शिवा, कैसे मेरा पाँव इस गमले में पड़ गया। बहुत दर्द हो रहा है, बहुत तेज लग गया, लगता है कोई मौज आ गई। मुझसे तो बिल्कुल भी उठा नहीं जाएगा। शिवा प्लीज उठने में मेरी मदद कर दो ना। कनक जी, मैंने इनके छोड़ के आता हूँ कमरे तो। क्या तुम हमेशा मुझसे ऐसे ही नाराज रहोगे? क्या तुम्हें मेरे गले में मंगलसूत्र, मेरे माथे पे सजाई सिंदूर तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता? बोलो। मेनका जी, मैंने आपको पहले भी समझाया था और आज फिर समझा रहा हूँ। पत्नी आप मारी हो, जिम्मेदारी भी आप मारी हो, जिसे मैं निभाऊंगा। लेकिन जो हरकतें आपने की है ना, उसके बाद आपकी इस घर में रखे किसी सामान से ज्यादा हैसियत बड़ा है। और रही बात मारे प्यार की, मारी जिंदगी की, मारी सासों की, तो अगर उन पे किसी का हक है तो वो कड़क जी का है। आई बात समझ? मेनका जी से ब्याह करके मैंने अपनी बहन और अपनी पत्नी दोनों को बहुत दुख पहुंचाया है। जिंदगी के हर बड़े फैसले में पति पत्नी दोनों की राय मायने रखती है, लेकिन मैंने मेनका जी के बारे में कुछ भी ना बताकर कनक जी का दिल बहुत दुखाया है, उनका भरोसा तोड़ा है। लेकिन अब मैं अपनी कनक जी का भरोसा फिर से जीतना चाहता हूँ, उन्हें एक अच्छा पति बन के दिखाना चाहता हूँ। अगर वो मुझे एक मौका दे तो शिवा, मैं भी तो तेरी बीवी हूं ना। हाँ, मेरे लिए तेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। देख कितनी चोट लगी है मुझे, मेरी देखभाल करना तेरी जिम्मेदारी नहीं है? अरे मेरे शिवा के कंधों पे पड़ी हुई जिम्मेदारी तारे को तारे कमरे तक मैं पहुंचा देती हूँ। चल इन दोनों को थोड़ी देर अकेला रहने दे। अरे खड़ी के है, चल ना। समर बेटा, बेटा सबके बहकावे में आके अपने ताईजी के खून का प्यासा हो गया। मेरा प्यार, दुलार, ममता सब भूल गया। जान देना चाहता है ना तू मेरी,
अकेले। वैसे भी एक माँ अपने बेटे को उसकी माँ से नफरत करते हुए नहीं झेल सकती। मार दे मुझे। शिवा बिल्कुल सही कहता कि आपको इमोशनल ब्लैकमेलिंग बहुत अच्छे से आती। बेटा कोई भी चाल कामयाब नहीं होगी। कि आपके और मेरे बीच जो रिश्ता था वो मर चुका। मेरे लिए चकोरी ताई मर चुकी। नहीं बेटा ऐसा मत। आप रिश्ते के नाम पे एक कलंक हो। एक ऐसा कलंक जिसे मैं अपने माथे पे सजा के और नहीं घूम सकता। इससे पहले मैं कुछ गलत कर बैठूं, चली जाओ यहां से। बेटा मत कर। मैंने कहा चली जाइए यहां से। तुझे क्या लगता? जीत हासिल हो गई है। खेल खत्म नहीं हुआ है रसाल अभी तक, क्योंकि अपने हथियार मैंने अभी तक डाले नहीं है। ने आपको संभालिए समरसा। आज जिस मजबूती से आपने अपने आप को चकोरी मासा की बातों में उलझने से रोका है ना, मुझे आप पे गर्व है। जो घाव आपको चकोरी मासा ने दिए है ना, उन्हें भरने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन आपको यूं ही मजबूत बने रहना होगा। हो सके तो मुझे माफ कर देना रसाल, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। प्लीज मुझे माफ कर देना, प्लीज रसाल। जो कुछ भी हुआ मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ, और आप भी सब कुछ भूल जाइए, क्योंकि हमारे बीच अब कोई गलत फहमी नहीं रही। आज आप और हम करीब आ सके हैं तो सिर्फ भाईसा की वजह से। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम भाईसा और कनक भाभीसा को करीब लेके आए, है ना? आज आप और हम करीब आ सके हैं तो सिर्फ भाईसा की वजह से। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम भाईसा और कनक भाभीसा को करीब लेके आए। मैं जानता हूं कि आपके मन में इस वक्त कई सवाल उठ रहे होंगे, लेकिन माफ करना मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब न दूंगा। इस मुंह से जाके मैं शिवा से माफी मांगूंगा? मैं तो उससे कुछ बोलने के लायक भी नहीं हूँ। आज तक जो मैंने शिवा और रसाल के साथ किया है उसकी कोई माफी नहीं होनी चाहिए। कहाँ जा रहा है समर? समर तुझसे जो भी हुआ वो एक गलत फहमी के चलते हुए हुआ। जिस तरह एक मासूम बच्चे को जो सिखाया जाता है बच्चा वही सीखता है। तुझसे जो भी हुआ वो अनजाने में हुआ, और अनजाने में की हुई गलती गलती नहीं होती। तो जा, जाके शिवा से माफी मांग ले। क्या हुआ समर, क्या सोच रहा है?
जा जाके शिवा से माफी मांग ली। शिवा, मुझे माफ कर दे यार। मैं जानता हूं कि तेरे बहुत से एहसान हैं मेरे ऊपर। जिस तरह आज तक तू मेरे लिए हर एक जगह खड़ा रहा, ठीक वैसे ही मैं भी तेरे साथ कंधे से कंधा लगा के खड़ा रहना चाहता हूं। हर परेशानी, सुख दुख सब साथ में बांटना चाहता हूं। मैं जानता हूं इस बात को कभी नहीं झुठलाया जा सकता कि तेरी शादी मेनका से हुई है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुझे कनक के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं शिवा के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी की नई शुरुआत नहीं करना चाहती, लेकिन किस मुंह से जाऊं कनक जी के पास? कनक जी को बिना बताए मेनका जी के साथ ब्याह करने वाला फैसला तो मैंने खुद ही लिया था। हाँ, ये बात सच है कि मैं सिर्फ और सिर्फ कनक जी से ही प्यार करता हूं, पर फिर भी मैंने छल तो किया है ना उनके साथ, इसलिए मुझे लगता है कि मैं उनके प्यार और भरोसे दोनों के लायक ना हूं। पर मैंने सबके सामने कहा आज कि मैं अपनी कनक जी का प्यार और भरोसा दोनों फिर से जीत के दिखाऊंगा, इसलिए चाहे जो करना पड़े मैं सब कुछ करूंगा ताकि मैं फिर से कनक जी के दिल में अपनी जगह बना सकूं, उनका मन जीत सकूं, इस रिश्ते को सुधारने की पहल मैं करूंगा। फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।